आपको ये मालूम है और ये आपने अखबारात में पढ़ा है कि इस वक्त अमेरिका की फौजें शुमाली इत्तेहाद के सर पर अपने कंधों को रख के, अपने पैरों को रख के, उनके कंधों पर सवार होके काबुल में अमेरिकन फौजें दाखिल हो गई हैं। ये भी आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के अक्सर व बेशतर हिस्से पर अमरीकी फौजें और बरतानवी फौजें, शुमाली इत्तेहाद के वो लोग जो अपने आप को नाम निहाद मुसलमान कहते हैं, उन मुनाफिकीन के कंधों पर सवार होके अमरीकी फौजें और बरतानवी फौजें काबुल में दाखिल हो गई हैं। ये पहला वाकया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अमरीकी फौजें बरतानवी फौजें काबुल में दाखिल हुई हैं? क्या ये पहली मरतबा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या तारीख ये बताती है कि ये पहली मरतबा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तारीख ये बताती है कि पिछली सदी में अंग्रेज भी थे, अंग्रेज भी थे। अंग्रेजों ने 150 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की और उसके बाद कायद आजम की काबिल फख्र क़ियादत में बड़े सगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान की जद्दोजहद की और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मिल गया। लेकिन इससे पहले सन 1947 तक हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और हिंदुस्तान की सरहदें, जैसे आज पाकिस्तान की सरहदें ड्यूरेन लाइन पर अफगानिस्तान से मिलती हैं, ऐसे ही अंग्रेज़ों की सरहदें भी मिलती थी। तो अंग्रेज़ ने दो मरतबा काबुल पर कब्ज़ा किया, कोई नई बात नहीं है। बहुत से हजरात जो हैं, अखबार के रिपोर्टर जो हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि अखबारात के लोगों को तो बड़ा यानी मुकम्मल तारीख से बाखबर होना चाहिए, लेकिन जो अखबार के सहाफ़ी आते हैं वो भी ताज्जुब से कहते हैं, कहते अच्छा, मैंने कहा भाई तारीख पढ़ो। अंग्रेज ने 150 साल अहद में हुकूमत में दो मरतबा काबुल पर और कंधार पर कब्जा किया। 3 बरस तक अंग्रेज काबुल पर काबिज रहे और उसके बाद फिर क्या हुआ? ये भी आपने पढ़ा तारीख में, बड़े सगीर की हिंदुस्तान की तारीख आप मुताला कीजिए, बाजारों में मौजूद है, बिकती है, मालूम है। बड़े सगीर की तारीख बिल्कुल छपी हुई है, छुपी भी नहीं है। 3 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद अफगानिस्तान के गयूर मुसलमानों ने, जो महमूद गजनवी और शिहाबुद्दीन गौरी की औलाद हैं, उन्होंने 3 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद 16,000 अंग्रेजी फौज को गाजर मूली की तरह से काटा और सिर्फ एक आदमी को छोड़ा जिसने भागकर पिशावर में आकर अंग्रेजी छावनी में खबर दी कि 16,000 खत्म हो गए, मैं एक बाकी बचा हूं। तो काबुल अंग्रेजी फौजों का कब्रिस्तान बन गया। तो अच्छा, यही हुआ होगा तो चलो फिर ठीक है, एक दफ़े तो ये हो गया, दो दफ़े अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, तो फिर तो उसके बाद अब तो काबुल चला गया। हाँ, चला गया। क्या इससे पहले आपको याद नहीं, पाकिस्तान बनने के बाद भी काबुल पे कब्ज़ा हो गया था? ये तो सब लोगों को मालूम है। मैंने तो पुरानी बात अंग्रेज़ों की बता दी जो 18वीं सदी की थी और 19वीं सदी के अवाइल की थी, सर 1920 तक की थी। लेकिन अब जो तारीख है, दिसंबर 79 में, दिसंबर 79 में रूसी फौजों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। रूसी फौजें 2 महीने के अंदर अंदर काबुल नहीं, पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा करके 1,20,000 फौजें अफगानिस्तान में बैठी हुई थी। ये तो तारीख बताती है, ये तो हमारे सामने की बात है।
ये तो अभी 20 बरस पहले की बात है, 21 बरस पहले की बात है, 21 बरस पहले की बात है। ये तो याद रखना चाहिए मेरे मोहतरम भाई कि रूसी, रूस तो अब अफगानिस्तान के बराबर भी है, रूसी अफगानिस्तान में दाखिल हुए, 2 महीने के अंदर अंदर पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद बैठ गए, 1,20,000 फौज अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, और रूसी खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे। कम्युनिज्म, ये कह रहे थे कम्युनिज्म कामयाब हो गया। कम्युनिज्म का मतलब है लादीनियत, कम्युनिज्म का मतलब है सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म का मतलब है इस्लाम दुश्मन कुव्वत, कम्युनिज्म का मतलब है मजहब को खत्म करना, कम्युनिज्म का मतलब है मस्जिदों को वीरान करना, मस्जिदों को बुलडोज करना, कम्युनिज्म का मतलब है मदरसों को बुलडोज करना, ये कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म का मतलब है कुरान शरीफ की इशाअत को बंद करना। चुनाचे पूरे रूस में 70 बरस तक कुरान शरीफ के छपने की मुमानात थी, मस्जिदों को तोड़ दिया गया था, मस्जिदों को अस्तबल माजल्ला बना दिया गया था, और रूस ने ये समझा कि अब मैंने अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। 1,00,000 फौजें बड़े इत्मीनान के साथ रूस में बैठी रही, लेकिन क्या हुआ, इत्मीनान से बैठना नसीब हुआ। 8 बरस तक मुसलसल लड़ाई हुई, और सन 1988-80 में शुरू हुई, 88 में रूस को काबुल ही में शिकस्त हुई, और रूसी फौजें 50,000 फौजियों की नाशें लेकर मास्को की तरफ भागे। 8 बरस में अफगानिस्तान पर फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम लहरा रहा था। अब काबुल फिर चला गया। लोग ये समझते हैं कि चंद गुंडे बदमाश जिनको अमेरिकन अपने साथ लेकर आए थे, उनके किराए के आदमी, उनकी दाढ़ियां मुंड गई हैं, चंद तवाइफें और कंजरियां जो अमेरिकन और बरतानवी लोग अपने साथ लेकर काबुल में आए थे, उन कंजरियों को चादरें पहना के लाए थे और फिर उनको उतारा गया। तो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम अब अफगानिस्तान से गायब हो रहा है। लोग शायद ये समझते हैं कि अब दाढ़ी जो है वो इस्लाम से, वो अफगानिस्तान से गायब हो गई है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मुसलमानों को धोखा देने के लिए, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और ये बताने के लिए कि लोगों में के दिलों में इस्लाम से नफरत है, ये बताने के लिए ये सारा प्रोपेगंडा ईसाई दुनिया और यहूदी और हिंदू मिलकर कर रहे हैं। धोखा न खाइए। जिस तरह से रूस का कब्रिस्तान अफगानिस्तान में बना था, आप अपनी आंखों से इंशाल्लाह देखेंगे कि अमेरिका का भी कब्रिस्तान बनकर रहेगा और जिहाद जारी रहेगा। अल्लाह अकबर। अफगानिस्तान में रसूलुल्लाह के सहाबा के जमाने में इस्लाम पहुंच गया था, और रसूलुल्लाह के सहाबा के वक्त से लेकर आज तक इस्लाम मौजूद है, इस्लाम मौजूद रहेगा, और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये तो करबला है। अफगानिस्तान में इस वक्त मुसलमानों पर, अल्लाह के नेक बंदों पर, नमाजियों पर, गाजियों पर बमबारी हो रही है। उन्होंने 5 हफ्ते तक बड़े सब्र से मुकाबला किया। इसकी तो दाद देनी चाहिए। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, और अब अपनी हिकमत अमली के तहत वो हट गए हैं, अपने मोर्चे तब्दील कर रहे हैं। उससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। पहले भी उन्होंने मोर्चे बदल दिए थे, रूसी फौजों को कहा आओ बेटे अच्छी तरह से आओ, चलो अभी देखते हैं तुमको। 8 बरस में 50,000 रूसियों को मार मार के कब्रिस्तान भर दिए, उनको कब्रों की जगह भी नहीं मिली। 16,000 अंग्रेजों को मार मार के भस बना दिया। अफगानिस्तान की जमीन को अंग्रेजों से पाक कर दिया। अफगानिस्तान खालिस मुसलमान मुल्क है, जहां 100% मुसलमान रहते हैं। अफगानिस्तान में महमूद गजनवी की औलादें रहती हैं, जिसे सोमनाथ के मंदिर के बुतों को तोड़ दिया था। अफगानिस्तान में शिहाबुद्दीन गौरी की औलाद रहती है, जिन्होंने लाल किले पर उस जमाने में पृथ्वीराज को कत्ल करके बादशाह दिल्ली हिंदू को मार के
उस पर्चे किले पर देहली के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम लहराया था श्री शिहाबुद्दीन गौरी की औलाद है। अफगानिस्तान के लोग दाता गंजबख्श अली अल हजवेरी की औलाद हैं। दाता गंजबख्श अली अल हजवेरी भी तो अफगानिस्तान के थे ना। तो मेरे मोहतरम भाई, मायूसी की बात नहीं है, इस्लाम के दुश्मन मायूसी फैला रहे हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसी सरजमीन से, अफगानिस्तान की इसी सरजमीन से वक्त आ रहा है महमूद गजनवी पैदा होकर रहेगा।